बहुत ही दुख की बात है कि ये संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि संसद नहीं चले, लेकिन फिर भी संसद जो हमारी सरकार है वो संसद चला रही है, पूरा प्रयास कर रही है कि संसद चले। और जो बहस की जब ये बात करते हैं कि मणिपुर पे डिबेट होनी चाहिए, उसके लिए शुरू से ही हमारी सरकार कह रही है कि बिल्कुल गृह मंत्री जी जवाब देंगे और डिबेट बिल्कुल होगी, हम करेंगे इसको डिबेट को। लेकिन जो विपक्ष है वो एक्चुअल में डिबेट करना ही नहीं चाहती मणिपुर पे, वो तो इसको टालने के काम है ये। वो चाहते हैं हंगामा करो, इसका एक बड़ा हम बस मुद्दा बनाना चाहते हैं, पर जब एक्चुअल में बात आती है कि नहीं इसको और ऑफ द हाउस में हम लोग डिबेट करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में चर्चा करते हैं, वो जब बात आती है तब ये लोग पीछे हट जाते हैं और नहीं करते हैं, नहीं उन्होंने नहीं होने दी अभी तक डिबेट। ये सब ऐसी इनकी सब, ये तो मुझे लगता है कि अटेंशन के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ इसके पीछे है नहीं। विपक्ष जानता है कि ना तो उनकी मेजोरिटी है ना वो कुछ करने लायक हैं, वो बस यही उनके हथकंडे हैं जो ये अपनाते रहते हैं। प्रधानमंत्री आज सीकर दौरे पर हैं, किसानों के लिए अच्छी सौगात देने वाले हैं, और मुख्यमंत्री जी आज नहीं जा रहे, उन्होंने ट्वीट के जरिए उनका वो किया है, तो उसको किस तरह से? ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी, मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए था। राजस्थान को इतनी सारी सौगातें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री जी आज देने जा रहे हैं, इतने सारे हमारे बड़े बड़े कामों के शिलान्यास हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, और वहाँ रहने की बजाय वो सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, ट्वीट करे जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उनको कार्यक्रम में जाना चाहिए था। अब उनकी व्यक्तिगत जो भी राय हो सकती है, हम लोग क्या कह सकते हैं। मैडम, लाल डायरी का क्या है? लाल डायरी को लेकर बहुत बड़ा राजस्थान में विधानसभा में भी और आपने लोकसभा में भी करके प्रोटेस्ट किया है, क्या है लाल डायरी का राज? तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि क्या है। लेकिन ये लाल डायरी से ये जो कांग्रेस सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत डर रहे हैं ऐसा लगता है। क्योंकि जब राजेंद्र गुड्डा जी विधानसभा गए, उन्होंने कहा स्पीकर साहब को कि मैं लाल डायरी लाया हूँ, इसको मैं टेबल करूँगा, तो इससे वो स्पीकर साहब ने बिल्कुल मना कर दिया और उनको बाहर निकाला गया, बुरी तरह से उनको वहाँ से बाहर निकाला गया विधानसभा से, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार भी हुआ वहाँ पर। लेकिन उसके बाद वो लाल डायरी को कुछ फाड़ा भी गया मुझे लगता है उस, लेकिन तो ये सब दिखता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के बहुत सारे राज इस लाल डायरी में छुपे हुए हैं, जो राज वो नहीं चाहते कि जनता को जानकारी मिले इन राजों की। और हम भी जानना चाहेंगे कि ऐसे क्या क्या उसमें है, ऐसी क्या क्या बातें हैं उस लाल डायरी में जो आप जिनसे आप इतना डरते हो कि आप जान कि आप इस चीज़ को बाहर नहीं होने देना चाह रहे। तो बिल्कुल बहुत सारे भ्रष्टाचार के भी राज हो सकते हैं इसमें, यही हम लोगों को तो यही लग रहा है। नहीं तो क्या ऐसी प्रॉब्लम है, दिखाओ ना आप इसमें क्या, सार्वजनिक करो डायरी को।